हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बेस्ट हेल्दी सलाद। तो इस तरह की सलाद मुझे पसंद है, तो आज सलाद खाने का मन कर रहा है। 4-5 दिनों से बुखार हो रही है, कुछ भी खाने का मन नहीं है, तो इसलिए आज सोचा कि सलाद बनाकर खाने के लिए। मुझे बुखार देखकर बेबी भी रो रहा है। मेरी बेबी मेरी बहुत ही ख्याल रखती है, तो मेरे घर में मेरी मम्मी भी आई हुई है, तो मम्मी और पति इन्हीं घर में काम काज कर रहे हैं। आप कुछ भी खाने का मन नहीं है, तो घर के सभी लोग डांट रहे हैं कि ये भी नहीं खाते, वो भी नहीं खाते हैं, तो कैसे चलेगा। कुछ भी खाने के मन नहीं है, तो आज सोचा कि ये सलाद बनाकर खाओ, तो इसलिए आज सलाद बना रही हूँ। सलाद बनाने के टाइम जब मैं ये सलाद बना रही थी, तब कुछ भी बोलने के मूड नहीं है, तो उस टाइम मैंने कोई भी वॉइस नहीं लगाया। तो ये वीडियो मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ अपलोड भी कर दिया था, लेकिन कॉपीराइट मिल गया, इसलिए उस वीडियो को डिलीट कर फिर से वॉइस लगाना पड़ा। एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है और कितना मुश्किल काम है, ये तो जो लोग वीडियो एडिट करते हैं उसी को ही पता होगा। यूट्यूब चलाना भी कितना मुश्किल है, कोई भी म्यूजिक लगाओ तो कॉपीराइट मिल जाती है, रोज़ रोज़ वीडियो अपलोड ना करो तो वॉच टाइम काट देते हैं। तो कुछ भी हो, वीडियो तो अपलोड करना ही पड़ेगा। तो सलाद बनाने के लिए मैं पहले एप्पल को छोटे छोटे आकार में काट रही हूँ, इस तरह से छोटा छोटा करके। इस तरह से सलाद बनाकर खाना मुझे पसंद है, इस तरह की सलाद मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैंने एक एप्पल लिया और ये एप्पल को मैंने इस तरह से काट लिया, इस तरह से छोटा छोटा करके। आज मैं जो सलाद बना रही हूँ, ये सलाद कई पूजा में प्रसाद के रूप से भगवान को दी जाती है, तो इस तरह की सलाद मैंने प्रसाद के रूप में भी खाई थी, जैसे शनि पूजा पर, सत्यनारायण पूजा पर, इस तरह से एक प्रसाद बनाकर भगवान जी को दी जाती है। जब गांव के घर में रहती थी, तब पूजा पाठ बहुत ही करती थी मैं, तो उस टाइम में इस तरह से कि एक प्रसाद बनाकर शनि पूजा, सत्यनारायण पूजा में एक प्रसाद बनाकर भगवान जी को भोग देती थी, प्रसाद चढ़ाती थी। तो मुझे उस प्रसाद की ही याद आ रही थी, तो आज उस प्रसाद की जैसा ही एक सलाद बनाकर खा रही हूँ, तो इस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर किया। तो मैं अभी मेरी सारे फ्रूट्स को काट लेती हूँ। काटने के बाद मैं क्या क्या मिक्स करने वाली हूँ देखना मेरी सलाद पर। सलाद बनाने के लिए मैंने पहले यहाँ पर एप्पल काटा और उसके बाद केला, उसके बाद ये चेरी, और उसके बाद डालने वाली हूँ यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम, सारे फ्रूट्स को अच्छी तरह से धोकर ही काटा। और अभी मैं ये काजू बादाम को भी अच्छी तरह से धोकर ही काट रही हूँ, और इसे मैं छोटा छोटा करके काटने वाली हूँ।
अपना सॉस है। काजू बादाम काटना हो गया और अभी मैं इसे डाल देती हूँ। और अभी मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ ये सूजी। सूजी मैं डाल रही हूँ इसे घना करने के लिए, मेरे सलाद को थोड़ा घना करने के लिए। और यहाँ पर मैंने हाफ कप सूजी लिया और इसे अच्छी तरह से धो लेना है। अभी मैं यहाँ पर पानी डालकर सूजी को अच्छी तरह से धो लेती हूँ। तो यहाँ पर पानी डालकर इसे अच्छी तरह से धोने वाली हूँ। तो सूजी को धोने के बाद मैं डाल लिया मेरे सलाद पर। और अभी मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ दूध। और अभी मैं यहाँ पर हाफ कप दूध डाल लिया। और थोड़ा मिठास के लिए मैंने यहाँ पर एक बेसन का लड्डू भी यूज़ किया। और अभी मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा आज का सलाद रेसिपी। तो मेरा और भी वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।